नेता ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम राजे पर हमला बोला। शेखावत ने कहा था कि राज्य में किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं है। खेड़ा ने जयपुर में पीसीसी में रविवार को उसी बयान को लेकर शेखावत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शेखावत जी ने तो झूठ बोलने की कला है, वह शायद उन्होंने मोदी और शाह से सीखी है। पीसीसी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम वसुंधरा राजे को चुनौती देते हुए कहा कि 2019 की रबी की फसल के लिए यूरिया का आवंटन कितना किया गया है वह सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि 3 दिन में सहकारी व कृषि विभाग इफको और क्रुपको और चंबल फर्टिलाइजर ने कितना यूरिया का आवंटन किया है वह 3 दिन में जारी करें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि 2019 की रबी की फसल के लिए आज यूरिया की बहुत आवश्यकता है और यह आवश्यकता जनवरी तक रहती है। खेड़ा ने कहा कि यूरिया के लिए किसानों की इतनी लंबी लंबी कतारें लग रही है, फिर भी बीजेपी कह रही है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आधार कार्ड पर एक बैग यूरिया दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में भी लंबी लंबी कतारें यूरिया के लिए लगी हुई है। पवन खेड़ा ने कहा कि इतनी लंबी कतारें गजेंद्र सिंह शेखावत को दिख नहीं रही, मतलब 5 साल सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भी यूरिया मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। पवन खेड़ा ने राजे पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी 70 साल का हिसाब मांगती है। इस पर खेड़ा ने कहा कि राजे केवल 5 साल का हिसाब दे। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान जमींदारी उन्मूलन एक्ट और राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955 कौन लाया था और उसका विरोध किसने किया था, लैंड रिफॉर्म सबसे पहले किसने किया था, यह सब काम कांग्रेस ने किए थे। खेड़ा ने कहा कि आरोप लगाने से पहले बीजेपी होमवर्क नहीं करती। खेड़ा ने पीएम मोदी के मन की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैं अपने प्रमोशन के लिए कुछ नहीं करता। इस पर खेड़ा ने कहा कि तो मन की बात क्यों की जाती है। उन्होंने कहा कि मन की बात पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, अगर यह पैसा स्कूलों में और किसानों पर खर्च करते तो सही रहता। अगर मोदी ने काम किया होता तो कोई बार बार मन की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान के मिड डे मील योजना का बजट और कृषि की केंद्र योजनाओं का भी बजट मोदी जी ने कम कर दिया। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान की जनता के साथ मोदी की क्या दुश्मनी है। पवन खेड़ा ने कहा कि मनमोहन सिंह ने बिना बोले जितने काम किए उसका मोदी ने बोल बोल कर एक फीसदी भी नहीं किया। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान आएंगे, उनसे निवेदन है कि वे इन सवालों का जवाब देकर जाए। यदि वे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो 11 दिसंबर को आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता आपको जवाब जरूर देंगी। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बिना चेहरे पर कोई शिकन लाए, बिना आंख झपकपाए बोला कि यूरिया की कोई कमी है ही नहीं इस राज्य में। ये सब शायद मोदी जी से और अमित शाह से अपना असत्य कैसे बोला जाए, किस आत्मविश्वास से बोला जाए, ये शिक्षा उन्होंने शायद वहां से ली होगी। अभी 2019 की रबी की फसल के लिए यूरिया इस वक्त पे सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है। नवंबर चल रहा है, जनवरी तक की आवश्यकता रहती है, अभी तो शुरुआत है। अभी इतनी लंबी लंबी कतारें, महिलाओं की कतारें, एक आधार कार्ड के नंबर पर एक बैग यूरिया, क्या इनको दिख नहीं रहा? जो मीडिया इतना उछाल रहा है इस बात को, क्या मीडिया असत्य बोल रहा है? आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं लेकिन गजेंद्र सिंह जी सही बोल रहे हैं, क्या ऐसा होता है? आप मुख्यमंत्री जी के अपने विधानसभा क्षेत्र की हालत देखिए, कितनी लंबी कतारें, ठंड में सुबह शाम, लेकिन गजेंद्र सिंह जी को दिख नहीं रही, या आंखें मूंदी हुई हैं, या कोई चश्मा पहना हुआ है, कुछ तो कारण है कि इतनी बड़ी समस्या किसान को यहां आज चुनाव के दौरान हो रही है। तो जब चुनाव के दौरान आप इतने असंवेदनशील हैं तो आज समझ में आता है कि पिछले 5 साल आपने क्या किया होगा। गत सप्ताह कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उसके बाद गजेंद्र सिंह चौहान जी, शेखावत जी कोई समस्या का समाधान करें तो उचित रहता, कुछ अच्छे उत्तर देते कि भाई ये करेंगे, ये कदम हम उठाएंगे जिससे कि किसान को परेशानी ना हो तो भी अच्छा रहता, लेकिन वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये मीडिया झूठ बोल रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। चलिए, विपक्ष की तो आप पुरानी आदत है, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, मीडिया कर्मियों को भी आप झूठा करार कर रहे हैं राजस्थान के मीडिया को।
कम से कम ये तो मत करिए। आपको भी रोज इसी मीडिया के सामने आना है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। आप देखिए आरटीआई का तो समय रहा नहीं, 10-12 दिन बचे हैं, तो हम एक चुनौती दे रहे हैं माननीय गजेंद्र सिंह जी को, माननीय वसुंधरा जी को, कि आप अगले 3 दिन में सार्वजनिक करिए कि 2019 रबी के लिए जो यूरिया की मांग के विरुद्ध जारी आवंटन पत्र सार्वजनिक करिए। सबसे पहले राजस्थान जमींदारी एवं पिछवेदारी उन्मूलन एक्ट 1959 कौन लाया था और उसका विरोध किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ये इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, हमने तो आपको जवाब देने शुरू कर दिए। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 कौन लाया था और इसका विरोध उस वक्त किस विचारधारा की पार्टी करती थी? इसका भी जवाब दीजिए। आप ही की विचारधारा की पार्टियां इन दोनों एक्ट्स का विरोध करती थी। किसानों के लिए जो हमने किया वो किसान भी जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि राजस्थान ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए थे। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी को नहीं ध्यान रहा, स्मरण नहीं रहा, होमवर्क करने की आदत भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर कभी नहीं रही। मन की बात करते हैं, आज भी कुछ किया, आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ अजीब सी बातें कही कि मैंने कभी अपने प्रमोशन के लिए मन की बात नहीं की। सब अगर आपने काम किया होता तो काम बोलता, आपको बार बार बोलने की क्या जरूरत? 5,000 करोड़ खर्च हुआ है मन की बात, ये राजस्थान के स्कूलों में लगा देते, ये राजस्थान में आप किसानों पर कुछ कर देते। आप अपने प्रमोशन के लिए बैठकर अपने मन की बात करने में 5,000 करोड़ खर्च करते हैं और फिर बार बार आकर कहते हैं मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तो किसके लिए कर रहे हो साहब? काम बोलता है, अगर काम किया होता तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मनमोहन सिंह जी ने बिना बोले जो करके दिखाया, आप बोल बोल कर उसका 1% भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी तो सब जगह पेट्रोल पंपों पे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उज्ज्वला ले आए, चूल्हा रहित हो गया, सब जगह सिलेंडर आ गया, कि यूनुस खान जी चूल्हे पे रोटी बना रहे अपने विधानसभा में जहां वो लड़ रहे हैं, जिस विधानसभा में अब विपक्षी रहेंगे हारे हुए, अपनी जहां से वो लड़ रहे हैं वहां वो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश में चूल्हा रहित हो गया है, ये असलियत है प्रधानमंत्री जी आपके दावों की। और ये असलियत मीडिया खोलेगा तो आप उसको झूठा करार कर देंगे, विपक्ष खोलेगा तो आप उसको झूठा मान लेंगे, आपके अपने नेता अभी तक मंत्री रहे थे यूनुस खान जी, ये देखिए चूल्हे पर रोटी बना रहे। प्रधानमंत्री जी आज जाने से पहले राजस्थान की जनता को इसका जवाब अवश्य